देखिए जम्मू कश्मीर तो मैं भी अभी होकर आया हूँ। जम्मू कश्मीर में शांति भी है और वहाँ विकास के रास्ते पर पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख चल पड़ा है और वहाँ के लोगों के मन में विकास के प्रति बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है और लोग विकास को पसंद करने लगे हैं और बहुत सारे विकास के लिए जो जो केंद्र सरकार की योजना है सब बड़ी तत्परता से लागू हो रही है। वहाँ देखे होंगे कि वहाँ सरपंचों की भूमिका बढ़ी है और वहाँ बिल्कुल हर प्रकार से जम्मू कश्मीर लद्दाख सब में शांति व्यवस्था है और विकास बड़ी तेज़ी से वहाँ हो रहा है। गिरिराज सिंह ने आज देवबंद को लेकर के एक बोला है, कहा आज है, आज बिम्सटेक के सभी देशों के द्वारा साझे रूप से पहली बार पूरे दुनिया का बाढ़ की आपदा के प्रकोप में बचाव समन्वय और उसको राहत देना, जान माल की नुकसान न हो और वो भी तो उसमें बहुत ज़्यादा कमी ला दी जाए, इसके लिए संयुक्त अभ्यास उड़ीसा के पूरी के रामचंडी बीच पे हुआ है और इतना सफलतम, मैं तो उसको वहाँ से होकर अभी आ रहा हूँ, इतना सफलतम इस आपदा के इस एक्सरसाइज से पूरे बिम्सटेक को एक बहुत राहत मिलेगा, बड़ी सफलता मिलेगी और आपदा प्रबंधन में कामयाबी मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह 10 सूत्री फार्मूला जो उन्होंने दिया था आपदा प्रबंधन के लिए, उस थ्योरी पर हिंदुस्तान भी काम कर रहा है और उसमें काफ़ी सफलता मिली। माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आपदाओं को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं और NDRF की टीम को इतना स्ट्रांग बनाया गया है अपने माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, कि आज पूरे देश में प्रसिद्धि प्राप्त की है NDRF और पूरे दुनिया में जरूरत होने पर NDRF हिंदुस्तान के द्वारा भेजा जाता है और NDRF को बहुत प्रसिद्धि भी मिली है और आज दुनिया में देश में नाम है उसका। तो आज एक बड़ी उपलब्धि की हिंदुस्तान को एक अवसर मिला बिम्सटेक के साझा उस एक्सरसाइज करने का, अभ्यास करने का, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है।